मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा करनाल तहसील में की गई छापेमारी एवं चार अधिकारियों को निलंबित करने के बाद मंगलवार को तहसीलदार राजबक्स द्वारा अपना कार्यभार संभाल लिया गया है। जी हां, निलंबित तहसीलदार के स्थान पर राजबक्स को यहां पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने आज पहले ही दिन बड़ी तत्परता दिखाते हुए कामकाज को बड़ी बखूबी से निपटाया और कहा कि उनकी प्राथमिकता लोगों को समय पर तहसील के कार्यों को करने की रहेगी। नवनियुक्त तहसीलदार राजबक्स सिंह का शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा फूलों के बुके देकर स्वागत भी किया गया। यहां हम आपको बता दें कि राजबक्स सिंह पहले भी करनाल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और एक साफ छवि के अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आपका नाम? राजेश सिंगला, जिला प्रवक्ता, इंडियन नेशनल लोकदल करनाल। ये पहले भी यहाँ काम करके गए हैं, अभी तो लग रहा है जनता इनसे मिल रही है, बड़े प्यार से मिल रहे हैं। आज पहला दिन, आज कुछ नहीं कहा जा सकता। भविष्य में उम्मीद करते हैं कि नए तहसीलदार समाज में मिलजुल कर काम करेंगे और लोगों का काम करने का काम करेंगे। करनाल में आपने ज्वाइनिंग किया, क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जैसा हमने पब्लिक के काम करने हैं, बिल्कुल पब्लिक किसी तरह लग करना पड़े, सीधा अपना काम कराए आए और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।